और अब डीडीसीए विवाद से जुड़ी बड़ी खबर। डीडीसीए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के नेता और बीजेपी के निलंबित सांसद कीर्ति आजाद के खिलाफ डीडीसीए ने मानहानि का केस दर्ज करने का मन बना लिया है। डीडीसीए की ओर से कहा गया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के नेता और कीर्ति आजाद ने जो आरोप लगाए वो फर्जी है, आधारहीन है, इससे हमारी संस्था की छवि खराब हुई है, इसे लेकर कानूनी कार्रवाई आगे की जाएगी। जो बोला जा रहा है, जो बोला जा रहा है, डायरेक्ट जो चार्ज लगा आरोप लगाए जा रहे हैं उस पर लीगली वी विल हैव देम एग्जामिन्ड, वी हैव आवर ओन एग्जामिन्ड, और जहां पर भी कुछ भी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई हम लोग करेंगे। इससे पहले आज आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर डीडीसीए भ्रष्टाचार के मुद्दे पर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली पर हमला किया। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष ने जेटली की लिखी दो चिट्ठियों को दिखाया और दावा किया कि जेटली डीडीसीए में करप्शन को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष के मुताबिक 27 अक्टूबर 2011 को जेटली ने दिल्ली के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर वीके गुप्ता को चिट्ठी लिखकर धोखाधड़ी से जुड़े केस को बंद करने की मांग की थी। आशुतोष के मुताबिक ये चिट्ठी तब लिखी गई थी जब देश में अन्ना आंदोलन चल रहा था। जेटली की जो चिट्ठी है उसको पेश करते हुए आपने आरोप लगाया कि स्पेशल पुलिस कमिश्नर को जांच बंद करने को कहा था। इन चिट्ठियों के आधार पर आम आदमी पार्टी का आरोप है कि जेटली ने पद का दुरुपयोग तक कर डीडीसीए में जो धांधली हुई थी उसकी जांच रुकवाने की कोशिश की। आम आदमी पार्टी के मुताबिक ये सीधे सीधे पद के दुरुपयोग का मामला है और आम आदमी पार्टी नेता जो है और विपक्ष रहते हुए जेटली की लिखी इस चिट्ठी से साफ बता रहे हैं कि जेटली जांच को प्रभावित कर रहे थे। आप खुद ही इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि यह कंप्लेंट अनसब्सटेंशिएटेड है, पुलिस जांच कर रही है। आप लीडर, आप अपोजिशन राज्यसभा में हो, आप पुलिस के को कह रहे हो कि यह कंप्लेंट अनसब्सटेंशिएटेड है। क्या आधार था आपके पास, किस आधार पे आप कह रहे थे? आपको संविधान के कौन सी धारा आपको अधिकार देती है क्या पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में आप उसको चिट्ठी लिखकर लिखिए बोलिए कि अनसब्सटेंशिएटेड कंप्लेन एंड डू नॉट डिस्क्लोज एनी ऑफेंस। सर्टेन ऑफिस बेयरर्स ऑफ द दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन आर फीलिंग हैरेस्ट बाय द रिपीटेड क्वेश्चनिंग इन दिस रिगार्ड। क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि डीडीसीए के ऑफिसर्स जो हैं they are feeling harassed by the repeated questioning in this regard. Is it not a direct interference into the investigation process? वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार करते हुए कहा है कि दिल्ली सरकार के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ चल रही जांच से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए डीडीसीए का मुद्दा उछाला जा रहा है। जिन जो आपके ऑफिसर जिसके साथ मिलकर के आप करप्शन कर रहे हैं उनको बचाने के लिए केवल और केवल आपके पास एक मुद्दा तगमा ले लिया डीडीसीए, उसको आप बार बार बजा रहे हैं डीडीसीए आपकी सरकार की रिपोर्ट में कुछ नहीं है तो कहे के लिए डीडीसी का कोर्ट में चल रहा होता रहेगा जो होना होगा। और अब डीडीसीए धांधली से जुड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे देते हैं। दरअसल 1999 से 2013 के बीच डीडीसीए में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। अरुण जेटली 1999 से 2013 तक डीडीसीए के अध्यक्ष रहे। दिसंबर 2013 में अरुण जेटली ने अध्यक्ष पद छोड़ा। दिल्ली सरकार ने 12 नवंबर 2015 को जांच के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनाई। दिल्ली सरकार की जांच कमेटी ने 17 नवंबर को रिपोर्ट सौंपी जिसमें फिरोज शाह कोटला मैदान के रिनोवेशन और टेंडर में धांधली की बात कही गई है।